बात करते हैं अगली खबर की, तो छत्तीसगढ़ के कवर्धा से ये खबर आ रही है, जहां शासन की नीति से प्रभावित होकर महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। बता दें, इस महिला नक्सली के ऊपर छत्तीसगढ़ राज्य में 5 लाख रुपए और मध्य प्रदेश में 3 लाख रुपए के साथ ही महाराष्ट्र में भी 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक महिला नक्सली के खिलाफ मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में कुल 19 अपराध दर्ज थे। साथ ही छत्तीसगढ़ के केसीजी जिला में महिला नक्सली के खिलाफ 3 अपराध दर्ज थे। दरअसल सरकार द्वारा माओवादियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। वही कलेक्टर जनमेजय महोबे और पुलिस अधीक्षक के द्वारा 25,000 का महिला नक्सली को इनाम दिया गया था।